संगमित्रा एंड टुडे वी आर हियर विद अ न्यू वीडियो और आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे बट वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द होम टूर बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि देखो दिस इज नॉट आवर ओन हाउस माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप लोग बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हो कि आपके पापा क्या करते हैं दीदी सो ही वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट आई के नॉट रिवील मच ऑफ हिज ऑक्यूपेशन एंड डेजिग्नेशन राइट नाउ तो उनको ही गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है सो उसी के अंदर रहते हैं हम एंड दो वी हैव वन हाउस विच इज इन फरीदाबाद लेकिन हम वहाँ अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं बिकॉज एरिया यहाँ बहुत अच्छा है सूदिंग है प्लस वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है अक्टूबर में रेडी होगा सो दिस इज नॉट अ लग्जूरियस हाउस टूर और होम टूर वीडियो सिंस यू गाइज रिक्वेस्टेड इट मैं तो हमेशा सोचती थी कि घर में दिखाने लायक क्या है कि मैं पोस्ट करूँ एंड जेन्युइनली मेरे घर में ऐसा कुछ दिखाने लायक नहीं है यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग सो एस्थेटिक और लग्जूरियस वी एज फैमिली वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कीप थिंग्स मिनिमल एंड आप देखोगे कि चीज़ें इनफैक्ट मेरे घर में टीवी भी नहीं है टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट सो बिकॉज नन ऑफ अस वॉच टीवी सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो एंड सी कि कैसा जाता है एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम मेकिंग होम टूर वीडियो तो मुझे पता भी नहीं कैसे बनाते हैं तो लेट्स जस्ट डाइव इन अभी मैं कंफ्यूज हो गई थी यहाँ से वीडियो बना रही थी तो लेट्स गो टू द डोर एंड वहाँ एग्जैक्टली डोर से वीडियो बनाते हैं सबसे पहले अगर आप एंटर करोगे तो आपको दिखेगा ये वुडन सा दरवाजा मेरे घर के साथ क्लियर पिक्चर व्यू आ जाएगा ऐसे एंड यहाँ मोस्टली दरवाजा भी पेंट सब मेरे पापा ने करवाया जो चेंजेस आपको दिखेंगे वो मेरे पापा ने करवाए एंड देन एंटर करते ही आपको ये पार्किंग टाइम दिखेगा और एंटर करोगे आप तो उसमें दिखेगी आपको हमारी गाड़ी दिस इज आवर कार वरना एंड यहाँ से एंटर किया आपने आप इस साइड आना गार्डन ऐसे में ऐसे कर रही हूँ जैसे कोई नेबर आ रहा हो हमारे घर सो यस सो दिस इज हाउ आवर गार्डन स्टार्ट्स काफी व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा कि हमारा गार्डन बहुत बड़ा है एंड गवर्नमेंट क्वार्टर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि दे गिव ग्राउंड फ्लोर पीपल इतना बड़ा गार्डन सो वी हैव ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एंड थोड़ा बहुत पूजा भी करती है मम्मी यहाँ पे सो तुलसी जी का भी पौधा है यहाँ पे और फिर ये कुछ कुछ चीज़ें एंड देन वी हैव दिस क्यूट बिल्ली अभी जिसने बच्चा भी दिया है तो मॉम कीप्स फीडिंग देम तो दिस इज़ आर स्वीट लिटिल गार्डन मुझे बहुत पसंद है ये गार्डन एंड लेट्स गो टू दिस प्लेस दिस इज़ आर लेट मी टेल यू द स्टोरी कि आप ये जो चीज़ देख रहे हो ये गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं मिलती है ये मेरे पापा ने खुद बनाई है जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड ही जस्ट थॉट कि मुझे प्रिवेसी चाहिए होगी वीडियोस बनाने के लिए तो उन्होंने घर के बाहर का एक एरिया बना दिया था कि मैं वीडियोस बना सकूं धूप भी आती है तो पापा ने ऐसे पर्दा लगा दिया था दो यहाँ पे एक गेट भी है और उसके बाद फिर ये है पूरा कॉटेज इट इज़ नाइस एस्थेटिक मेंटेन्ड बाय माय डैड मेरे डैड यहीं बैठ के पूरे टाइम पढ़ते रहते थे बट सिंस यहाँ पे गार्डन है बाहर एंड ही गॉट डेंगू तो वो अभी अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे बैठना एंड प्लस हमने बोला हुआ है पापा शिफ्ट टू द रूम एंड डोंट सिट हियर बट इट्स अ वेरी नाइस यू नो कूल सूदिंग प्लेस यहाँ पे इतना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होता है एक फ्लावर वॉस भी रखा हुआ है यहाँ पे पापा की कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं एंड दिस ड्रॉर्स where he keeps few things is our cottage we call it cottage actually and mazak mein hum papa ko kabhi kabhi bolte hain papa aapki jhopdi ab karte hain hum ghar mein enter to ghar mein enter karte hi aapko kuch aise flowers dikhenge and then you enter my house and this is our dining place jahan hum charo ko it is mandate for us to sit and eat here aur ye humne abhi just naya fridge liya hai it is too big for this house me and my mom वी फेल लाइक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है हमारे पुराने फ्रिज से बट इट इज़ नाइस फॉर अ चेंज हम 10 साल से एक फ्रिज चला रहे थे बाइक में हमने ये पेंटिंग भी लगा के रखी है जो हमारे एक रिलेटिव ने दी थी बहुत ही प्यारी पेंटिंग पापा को बना के देन दिस वॉच दिस इज ओल्ड एंशियंट वॉच आई थिंक 15 ईयर्स बैक ओल्ड एंड देन दिस इज द गेट टू माई रूम ये मेरा रूम है फाइनली मुझे बहुत सालों के बाद अपना रूम मिला एंड दिस द सोफा इज ओवर हियर मैंने थोड़ा सा थीम टाइप ऐसे मेंटेन करने का ट्राई किया है ब्लैक एंड ग्रे रखने का सो लेट मी शो यू थिंग्स ओवर हियर तो सबसे पहले आप ये देखोगे ये शेल्फ टाइप है वेयर आई कीप माई कोलैब प्रोडक्ट्स लाइक बेसिकली जो कोलैब्स आया या कुछ भी एंड द रीसेंट बुक आई एम रीडिंग विथ माई मूड मेरे मूड पे बेसिकली आई स्वेयर गाइस डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है एंड दिस इज द स्पेस जहाँ मैं फ्लाइट के लिए मोस्टली रेडी होती हूँ नाइस मिरर लाइस सटल मिरर आई लाइक एंड दिस आफ्टर द डेंगू और ये ऐसे वर्ल्ड मैप मैंने लगाया था अपने रूम के लिए बिकॉज मुझे आई लव ट्रैवलिंग सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ ट्रैवलिंग एंड थिंग्स एंड दिस इज अ सोफा ये सब ये सोफा हमने कस्टमाइज कराया था एक्चुअली पापा ने काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये सोफा स्पेशियस है बड़ा है एंड दिस इज
the thing you would have mostly seen on my videos. So this is the bookshelf, मेरे पापा और मेरा, mostly पापा की books ही है यहाँ पे. And this is the ring light and this is a stool I sit on to make my videos, putting this ring light here. And this is my so-called bed with a steamer over here because मेरे को आजकल बहुत सर्दी रहती है. And this is the book currently I am reading. I'll just tell you the book name. एक second यार. Yes, ये उल्टी क्यों है? Yeah, this is the book I'm currently reading. और अब हम अपने रूम से निकल के चलते हैं सामने. सो आपने देखा कि मैं यहाँ से एंटर हुई थी एंड देन मैं अपना रूम दिखाया. अब मैं आपको बाकी एरिया दिखाता हूँ. दिस इज हाउ यू गो स्ट्रेट. अगेन वी हैव अ मिरर ओवर हियर. सेक्शन है वो पापा और पार्ट का सेक्शन है. ये सब मिक्स्ड है, मेरा और मम्मी में से सभी यूज करते हैं. बट ऐसे ही हमने फेस वॉश और ऐसे कुछ कुछ स्किन केयर आइटम्स यहाँ पे रखे हुए हैं. एंड नाउ यू एंटर टू माई किचन एंड दिस इज द किचन. किचन ओकेश है, लाइक यू सी थिंग्स ऑन द दीवार एंड ये सब, बट बहुत ज्यादा स्पेशियस है. इट्स गुड. यहाँ पे गैस है, कुछ कुछ मसाले रखे हुए हैं. आई फील लाइक कि मैं बहुत ही गंदा होम टूर वीडियो बना रही हूँ. एंड दिस इज अ वॉशरूम्स दिस साइड एंड ये है मेरे भाई का रूम, पार्थ मिश्रा का, विच इज टेकन बाय माई फादर दीज डेज बिकॉज मेरा भाई ट्रिप है. सो दिस इज हिज बेड, यहीं पे सोता है वो. एंड यहाँ पे उसकी जनरली बुक्स रहती थी, अभी नहीं है. एंड ये उसका जूम एक शटर है गाइस, उसका फोटोग्राफी पेज डू फॉलो, वो बहुत अच्छा कंटेंट डालता है. एंड दिस इज हिज रूम, इज वेरी सिंपल. पापा ने अभी इसको बहुत अच्छा किया है, गटर जैसा था, है ना पापा? पार्ट गटर जैसा रखा था ना रूम? नहीं. अभी हम जा रहे आप लोगों का रूम दिखाने, ठीक है? एंटर इन टू माई पेरेंट्स बेडरूम. मम्मी पापा का बेडरूम है ये, एकदम सिंपल रखा है उन्होंने. एंड ये जो दो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये इनको गिफ्ट में मिली हुई है. एंड वहां पे मम्मी, हमारे घर में सब कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पड़ता है तो उनकी भी मैगजीन्स वहां पे रखी हुई है. ये उनका अलमीरा है. एंड वहां ऑफकोर्स घर पे तो लगेज ठूसना ही पड़ेगा, इंडियन फैमिली है, लगेज जब तक ठूसेंगे नहीं काम कैसे चलेगा, राइट? एंड नाउ अगेन वन मिरर ओवर हियर. यहाँ पे भी कुछ कुछ हो रहा है. एंड उसके बाद ये परफ्यूम्स है, मोस्टली मेरे और मम्मी के कॉम्बिनेशन है. एंड दिस इज माई फेवरेट परफ्यूम गाइस, एनीवेज. और यहाँ पे कुछ कुछ और स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं हमने. एंड या दिस इज इट फॉर देयर रूम, नॉट मच टू शो इन देयर रूम. तो या एंड यू गाइस हैव नॉट नोटिस्ड टीवी ऑन आवर हाउस. और बहुत सारी और भी चीज़ें नहीं मिली होगी बिकॉज पापा बहुत सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, सो एम आई. सो कभी भी टीवी मम्मी पापा ने देखा नहीं, पार्ट भी कभी नहीं देखता था. मैं नेटफ्लिक्स फोन पे देख लेती हूँ कभी कभी. एंड ऑल्सो इन आवर हाउस माई फादर, एज यू सी दिस, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड रीडिंग कल्चर कि हम सब पढ़े, पेपर भी पढ़े, ये भी पढ़े एंड एवरीथिंग. सो दिस इज हाउ आवर हाउस इज. And thank you so much for watching this video. I hope you guys liked it. If you liked it, please do like, share, comment and subscribe to my channel. I love you all.